दोस्तों यह है महाराष्ट्र का हिंगोली जिला, जो महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में डक्कन की पठार पर स्थित है। हिंगोली जिला के उत्तर में अजंता की पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है, जिसे स्थानीय लोग जिंतोर हिंगोली हिल्स के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि हिंगोली पहले परवणी जिले का हिस्सा था, जिसे 1 मई 1999 में परवणी से अलग कर एक नया जिला बनाया गया। 4827 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हिंगोली जिला की टोटल पॉपुलेशन 11,77,000 से अधिक है। आज वर्तमान समय में हिंगोली जिला यवतमाल, नांदेड़, परभणी, वाशिम और बुलढाणा जिला से अपनी सीमाएं सजा करता है। इतिहास की बात करें तो हिंगोली का उल्लेख प्राचीन काल में बिंगुली विंगमूल के नाम से मिलता है। 490 में वलाकट वंश के राजा शरोसेन ने वसगुल नाम की एक शाखा की स्थापना की थी। इस शाखा की राजधानी आज का वाशिम था। मध्य काल में इस क्षेत्र पर मुगलों, इमाद शाहों, आदिल शाहों और निजाम शाहों का शासन था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह 1708 में मुगल सम्राट बहादुर शाह के साथ पंजाब से दक्षिण आए और जिले के वासमत में एक आधार स्थापित किया। औंधा नागनाथ जिले में नागनाथ मंदिर के नाम से एक प्रसिद्ध स्थान है, जिसे भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर का निर्माण देवगिरी के यादव के समय यानी 13वीं शताब्दी में माना जाता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो हिंगोली 2006 में केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा देश के सबसे पिछड़े जिलों के एक था। वर्तमान में इस जिले के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान नीति कार्यक्रम के तहत धनराशि मिलती है। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ के 83% लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों पर निर्भर है। इसमें 45% किसान और 38% खेतिहर मजदूर है। जिले के कुल उत्पादन में कृषि उत्पादन का योगदान 30% है। सोयाबीन और कपास जिले में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण फसलें हैं। कुल कृषि क्षेत्र के 28% भाग पर सोयाबीन तथा 22% भाग पर कपास की खेती की जाती है। यहाँ ज्वार, अरहर, चना, चावल, सूरजमुखी की भी खेती की जाती है। औद्योगिक दृष्टिकोण से हिंगोली अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। जिले में कोई प्रमुख उद्योग नहीं है, लघु उद्योग बिखरे हुए हैं। अधिकांश उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में हैं, जिनमें बड़ी संख्या में कृषि आधारित उद्योग हैं। केवल 98 पंजीकृत उद्योग हैं और 38 अपंजीकृत उद्योग हैं। इसमें खाद्य संस्करण उद्योग, रेशम उद्योग, गांठ बांधना और बढ़ईगिरी उद्योग शामिल है। जिले में 136 उद्योगों में से 131 लघु उद्योग हैं और केवल 5 उद्योग मध्यम प्रकार के हैं। इन 5 में से 3 चीनी मिल के कारखाने, 1 सूती मिल और 1 तेल रिफाइनरी शामिल है। अगर शिक्षा की बात करें तो हिंगोली जिला की साक्षरता दर 87% है। यहाँ पर शिवाजी कॉलेज, हिंगोली पॉलिटेक्निक कॉलेज, आदर्श कॉलेज आदि हैं, जो यहाँ के बच्चों को उच्च शिक्षा मुहैया प्रदान कराते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य में स्थित हिंगोली जिला के बारे में आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल टुडे। कीप स्माइल एंड कीप ग्रोइंग।